الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادی الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا صدق اللہ العظیم عزیزان محترم معزز سب سے پہلے میں محترم علی اکبر صاحب جنہوں کا آج زندگی کے بہت سارے نواب مکمل ہو چکے ہیں क्योंकि हम जो है सबसे पहले ये बात हमें समझनी चाहिए हम ज़िंदगी को काउंट कैसे करते हैं कौन से ज़िंदगी के हिस्से हैं जो हम मतलब बताते हैं उम्र के लिहाज से। इशफाक अहमद साहब कहते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे राइटर हैं वो कहते हैं कि जब कोई तुम ज़िंदगी के बारे में बताते हो जैसे बच्चा आपके 30 साल गुजर गए फिर हमसे कोई पूछता है भाई आपकी ज़िंदगी कितनी है आपकी लाइफ कितनी है कितनी आपकी ज़िंदगी है तो हम पिछले लम्हात बताते हैं जो गुजर चुके भाई 25 साल क्या हो गया 20 साल का हो गया 18 साल का हो गया ये वो पिछली की ज़िंदगी बता दें लेकिन इशफाक साहब कहते हैं जल्दी ज़िंदगी के बारे में बताओ अगले लम्हा बताओ कि भाई इतने मेरे गुजर चुके हैं बकाया इतने बचे हैं तो ये ज़िंदगी जो है जाहिर बात है इससे ये लम्हा हमारे चले गए अगर 18-25 साल की उम्र है तो इससे 1 साल चला गया बकाया ये पैगाम देता आ रहा है कि आइंदा जो भी लम्हा आ रहे हैं उसमें आपने क्या किया है। एक मोटिवेट में सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट बहुत अहम होती है। सबसे पहले कासिम अली शाह साहब कहते हैं कि आप टाइम मैनेजमेंट ज़रूर करें। टाइम मैनेज किया है कि आपकी ज़िंदगी की रूटीन होनी चाहिए आपकी ज़िंदगी के लम्हात होने चाहिए कि आपको ज़िंदगी कैसे बसर करनी है आपको 1 घंटा कैसे बसर करना है आपको ज़ोहर नमाज के बाद क्या करना है आपको असर नमाज के बाद क्या करना है आपको मगरिब इशा नमाज के बाद क्या करना है या यूँ समझ लें अगर 60 साल की आपकी ज़िंदगी है 60 साल की 20 साल की ज़िंदगी है उस पूरे सालों को आप डिवाइड कर ले इसके बाद मुझे क्या करना है इसके बाद मुझे क्या करना है इससे होगा क्या कि आपके हर ज़िंदगी के लम्हात जो है वो खूबसूरत हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौत व हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला या ज़िंदगी और मौत की बात हो रही है अल्लाह रब्बुल फरमाया कि इंसानों को मैंने दुनिया के अंदर क्यों भेजा है। हर नज़रिया रखने वाला बंदा मुख्तलिफ बात करेगा कोई कहेगा भाई ज़िंदगी इसलिए इसको बना लो आपका फ्यूचर बन जाएगा आप ज़िंदगी में इतनी स्ट्रगल करो आपके जो है बच्चे वो अच्छी तरह फ्यूचर को गुजार सकेंगे मुस्तकबिल में उसकी सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी आप अच्छे तरीके से ज़िंदगी इस तरह बसर करो आप फिनांशियल तरीके से सेट हो जाओ। हर कम्युनिस्ट अलग तरीके से बताता है और इसी तरीके से दूसरे सोच रखने वाले अलग बताते हैं। आइए अल्लाह के कुरान से पूछते हैं कुरान क्या कहता है। कुरान ये कहता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों को जो ज़िंदगी दी है ज़िंदगी और मौत ये किसने दी है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला कि अल्लाह रब्बुल आलमीन देखना चाहते हैं ये पूरी दुनिया में वो कॉम्पिटिशन की तरफ जा रही है हर तरफ कॉम्पिटिशन ही कॉम्पिटिशन है मुकाबला हो रहा है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों को भी इस दुनिया के अंदर भेज के अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन देखना चाहते हैं कि तुम में से अच्छे ऐमाल कौन करता है तुम में से अच्छी ज़िंदगी कौन बसर करता है तुम में से जन्नत का हकदार कौन बनता है। जन्नत के भी जैसे दर्जात हैं कि एक छोटा जन्नत भी एक बड़ा जन्नत भी तो ये इंसान के ऊपर है कि वो ज़िंदगी जो अल्लाह ने उसको दी है इस ज़िंदगी को ये इस्तेमाल कहाँ करता है इस ज़िंदगी को ये यूटिलाइज कहाँ करता है इस ज़िंदगी के लम्हात वो टेलीविज़न पर जाके बैठ के वहाँ पर गुजारता है या इस ज़िंदगी के लम्हात ये अपनी जो है सेलिब्रेट बनाने के लिए फेमस होने के लिए अपनी ज़िंदगी के लम्हात गुजारता है या ये ज़िंदगी के लम्हात दुनिया को भी देता है और दुनिया के साथ आखरत को भी दुनिया के साथ दीन को भी लेकिन दीन के लम्हात जहाँ आ जाते हैं उसको सबसे पहले दीन को फोकस दी जाती है। अज़ीज़ान मोहतरम बात है ज़िंदगी की एक मैं रिसर्च पढ़ रहा था 7 एजेस 7 स्टेज कि ज़िंदगी के जो है 7 स्टेज बंदों को देखे गए दिए गए हैं जैसे जब बच्चा होता है 8 साल 12 साल अभी तक उसको कोई ऐसा होता है 8 साल के अंदर उसको शोर नहीं आता जब तक उसकी ज़िंदगी बढ़े छोटा था 5 साल की एज में आया फिर उसको थोड़ा सा चलना आ गया फिर बड़ा हुआ थोड़ा बात करने का उसको सलीका आ गया उसके बाद फिर 18 साल की ज़िंदगी तक आता है 18 साल की ज़िंदगी तक उससे क्या हो जाता है कि उसको पता चलता है भाई ये थोड़ी सी चीज़ें मुझे बात इस तरह करनी है मुझे वालदेन की फिक्र करनी है मुझे दोस्तों के साथ इस तरह चलना है मुझे दिमाग इस तरह अदा करनी है मुझे अल्लाह के अहकाम इस तरह पूरे करने हैं ये सारा होता है। उसके बाद फिर 25 साल की ज़िंदगी तक पहुँचता है फिर क्या करता है उसको फिक्र हो जाती है उसको वालदेन कहते हैं कि भाई इसकी जो अज़दवाजी ज़िंदगी अब शुरू हो रही है अब इसको इस तरह यूटिलाइज करना है इस तरह इस ज़िंदगी को यूज़ करना है तो 25 साल ये हो गए अब थोड़ा सा आगे चले फिर 45 साल की उम्र में अगर शादी होगी फिर बच्चों की फिक्र फिर बच्चों के फ्यूचर की फिक्र
फिर थोड़े से 10 साल आप 60 साल, आज की जो रिसर्च ये बताती है पाकिस्तानी जो है या पूरी दुनिया के अंदर जो समझ लें कितना भी आप सेहत का ख्याल रखो, लेकिन जो आपकी मैक्सिमम वो एज रखी गई है 70, 70 से प्लस कोई भी नहीं जा सकता, ये रिसर्च बताती है कि आज जो है हालांकि बहुत तो अल्लाह के जरिए कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, लेकिन क्योंकि अभी पहले जो बंदे थे वो 150 साल तक उनकी ज़िंदगी हुआ करती थी, 100 साल की ज़िंदगी हुआ करती थी, लेकिन अभी जो भी पैदा हो रहा है उसकी एक फुल रिसर्च ये बता रही है कि 60 साल। अभी मैंने आपके सामने पिछला जो हिस्सा आपके सामने अर्ज़ किया कि 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, थोड़ा सा 60 साल की ज़िंदगी आप 24 आवर्स देंगे दिन रात में निकाल, उससे हमारी आधी ज़िंदगी सोने में गुजर गई, आधी ज़िंदगी गमों में गुजर गई, थोड़ा सा हमें खुशी अगर मिल गई तो उस खुशी को हम क्या करें अच्छे अंदाज में पेश करें, उस खुशी को भी अगर सेलिब्रेट करें तो अच्छे अंदाज में सेलिब्रेट करें, ताकि ये लम्हात भी हमें अच्छे हो जाएँ और आखरत के जो लम्हात हैं वो भी अच्छे हो जाए। हमारी ज़िंदगी और उससे मुख्तलिफ है, कम्युनिस्ट कहता है कि मुझे ज़िंदगी बसर करनी है, खाना है पीना है, खाने पीने के बाद कोई कुछ भी नहीं होगा, एक रूह है, रूह बोलते हैं कि साइंस रूह को एक्सेप्ट नहीं करती बकौल उन्हों के, तो वो कहते हैं मरने के बाद क्या होगा कि ज़िंदगी हमारी ख़त्म हो जाएगी, हमारा जिस्म भी यूँ पेट्रोल उससे बन जाएगा, फिर हम पेट्रोल बन जाएगा, वहाँ से यूँ समझे और चीज़ें निकल जाएंगी, ये वो बताते हैं। लेकिन हमारे सामने जो है जो मुसलमान होता है उसके सामने पूरी ज़िंदगी होती है, उसको हर एक लगा जबान से बात कैसे करनी है, अमाल कैसे करने, उठना कैसे, बैठना कैसे, लकदकार लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसन, हर जगह पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सीरत पे अमल करने का कुरान हमें ये मैसेज दे रहा है। तो अज़ीज़ान ये जो हमें आज यहाँ पे मौका मिला है, लेकिन एक दूसरी मुझे हदीस याद आ गई कि जो है दोस्त जो होता है वो दोस्त के दीन पे होता है, और दूसरा एक इंग्लिश का कोटेशन है मैन इज नोन बाय द कंपनी ही गिव्स, दूसरा कोटेशन एज द कंपनी सो द कलर्स, जैसी सोबत होगी ऐसा असर होगा। जैसे अभी हमारे सामने ये बहुत से दोस्त बैठे हैं, हालांकि अगर ये ना होते तो हम क्या करते, ये सारों को आपको पता है, पता होना भी चाहिए, सारों को पता है, लेकिन क्या हुआ सोबत का असर हुआ, सोबत का असर हुआ, या दीन की बातें कर रहे हैं ठीक है, लेकिन किस तरह दोस्तों का असर होता है, तो क्या है अच्छी सोबत हमें रखनी है, अच्छे तरीके से हमें पेश आना है, तरीके से तो इस ज़िंदगी को जो आइंदा लम्हा जो आ रहे हैं उसको हमें खूबसूरत बनाना है ठीक है। सारे साथी इसकी कोशिश करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआए अली अकबर लुंड साहब के जितने भी लम्हा आइंदा के बच्चे हैं वो खूबसूरत अंदाज में और इमामुल अंबिया मुहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत और अल्लाह के अहकाम पर अमल करने की हम सबको अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक अता फरमाए। सुनो पेपर।